नहीं होने वाली, उसमें काम करने का अपने को सबको मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले धन्वंतरी को थैंक्स देके आज धन्वंतरी जो देवता है उसको नमन करके आज के सेशन के लिए हम शुरू करते हैं। ये जब भी हम काम करते हैं तो ये काम करने के लिए अपने हर एक चीज को, जो भी काम अच्छा करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी क्या है, तो नॉलेज जरूरी है। तो ये नॉलेज अपने पास होना चाहिए। हम सभी लोग अलग अलग फील्ड से यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपने अपने फील्ड पे अगर हम टॉप लेवल पे भी है तो भी अगर अपने को दूसरे फील्ड में काम करना है तो वहां पे अपने को उस फील्ड का नॉलेज देना पड़ेगा। मतलब एक चट्टान से दूसरी चट्टान के ऊपर अगर अपने को जाना है और वहां से ऊपर जाने के लिए रोप वे तो नहीं है, तो एक चट्टान अपने को उतरनी पड़ेगी और दूसरे चट्टान अपने को चढ़नी पड़ेगी, तभी जाके हम ये अच्छा सा काम कर सकते हैं, तभी जाके हम ये अच्छा काम कर सकते हैं। अगर ये काम करने के लिए अपने को नॉलेज देना है तो धन्वंतरी हमेशा अपने को ये मौका देती है, अलग अलग फील्ड के अपने को ट्रेनर्स अवेलेबल करके देती है कंपनी। वैसे आज अब एग्रीकल्चर में हम जो काम करते हैं वो शुरू करने के साथ साथ मैं कुछ स्क्रीन भी शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में अगर काम करना है तो क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, ये सब चीजें अपने को मालूम होनी चाहिए। इसके लिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। तो एग्रीकल्चर में जब भी हम काम करते हैं तो एग्रीकल्चर में काम करने के समय पे अपने को हर एक चीज मालूम होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर में एग्जैक्ट क्या क्या दिक्कतें हैं। वो प्रॉब्लम्स अगर अपने को मालूम हो गई तो ही हम अच्छा उसके ऊपर सॉल्यूशन दे सकते हैं। सबसे बेस जो है एग्रीकल्चर, इसमें अगर काम करना है तो बहुत सारे कंपनी के लोग या बहुत सारे लोग जो भी मिट्टी की ऊपर की फसल है वो फसल देख के अपने को गाइड करते हैं कि इसका छिड़काव करो उसका छिड़काव करो, लेकिन हम लोग हमेशा बोलते हैं सबसे ज्यादा काम तो मिट्टी के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बोलते हैं कोई कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको 9 महीने तक उसको अच्छा सा खाना खिलाना नहीं दिया खाने के लिए, अच्छा क्लाइमेट नहीं दिया, तो अच्छा बच्चा पैदा होगा क्या, वो बच्चा पैदा होगा कि नहीं यही हम बोल नहीं सकते। वैसे ही मिट्टी में से अगर कोई दूसरे जान जन्म लेने वाली है, कोई फसल जन्म लेने वाली है, तो मिट्टी मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन उस मिट्टी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये हम कभी भी सोचते नहीं है। हम सिर्फ जाते हैं कोई भी जो दुकानदार रहता है उसके पास, बहुत बार वो भी टेक्निकल नहीं रहता है क्योंकि मेडिकल शॉप डालने के लिए तो डी फार्मेसी करना कंपलसरी है। वैसे एग्रीकल्चर के लिए वैसा कोई भी रूल नहीं था, इसलिए बहुत सारे लोग नॉन टेक्निकल पर्सन है, इसलिए वो जो भी अपने को देता है हम डालते रहते हैं उसमें। लेकिन मिट्टी में सच में क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है ये सबका स्टडी धन्वंतरी के जो साइंटिस्ट हैं सभी लोगों ने करके इसमें जो जितना जरूरी है उतना ही देने के लिए शुरू किया। तो अपने को मालूम होना चाहिए कि मिट्टी में क्या क्या जरूरी है। अगर हम देखते हैं तो पहले जैसी अभी अपनी मिट्टी भुरभुरी नहीं रही है, वो इतनी कड़क हो चुकी है कि उसमें हवा ही नहीं है। और मिट्टी में क्या क्या होना चाहिए, तो मिट्टी में एक तो 25% हवा होनी चाहिए, 25% पानी होना चाहिए, 45% मिनरल मतलब मिट्टी और खाद होना चाहिए, और 5% ऑर्गेनिक मैटर बोले तो सेंद्रिय कर्ब उसमें होना चाहिए। लेकिन ये चीजें आज किसी भी मिट्टी में देखने को नहीं मिलती। हम लोगों ने आज तक करीबन 2 से 2500 से ज्यादा सॉइल टेस्टिंग के रिपोर्ट देखे हैं, उसमें ये ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा जो है वो 5% चाहिए, वो आधे से नीचे चली गई, मतलब 0.5 से लेके 0.2 तक इसकी मात्रा आज देखने को मिल रही है, जो बहुत डेंजरस है, बहुत अपना मिट्टी का उपज कम करने की वाली चीज है। क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मिट्टी की, ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है और उसके साथ साथ बैक्टीरिया भी खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि अब उनको खाना भी नहीं मिल रहा है। और जो केंचुए बोलते हैं, जो किसानों के दोस्त बोला करते थे, वो केंचुए अपने आज मिट्टी में नहीं देखने को मिल रहे हैं।
आज जो हम 25% हवा की बात कर रहे हैं, अपने को अगर दिन भर मास्क पहनकर घूमना पड़े और शाम को अपनी ऑक्सीजन की लेवल चेक करेंगे तो डेफिनेटली ऑक्सीजन की लेवल कम ही आने वाली है। और जब अपने शरीर की ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तब कोरोना जैसी बीमारी होने की संभावना ज्यादा बढ़ती है, रिस्क ज्यादा बढ़ती है। वैसे ही मिट्टी में हवा अगर नहीं है तो जड़ों को, किसी भी फसल के जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और उनकी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। उनको अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलता है तो ग्रोथ अपने आप कम आएगी, वीकनेस रहेगा, उसकी इम्यूनिटी पावर फसलों की कम रहती है, इसीलिए उसके ऊपर तुरंत कोई ना कोई कीट या कोई ना कोई डिसीज आ जाती है, इसलिए अपने को तुरंत छिड़काव करना पड़ता है। तो इसके लिए मिट्टी में हवा का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज जो बंजर हो चुकी है, जो जमीन कड़क हो चुकी है, उसके वजह से जमीन में उतनी हवा नहीं रही है। तो अगर जमीन में हवा रहनी चाहिए तो पहले जैसी जमीन भुरभुरी होनी चाहिए। पहले लकड़ी के ये थे प्लोइंग करने के लिए साधन थे, उसके बाद लोहे के आ गए। अभी कुछ कुछ जमीन में 35 का 55 HP का ट्रैक्टर आप अगर आप लेके जाते हो तो भी वो हवा, वो जो लोहे का जो फाल रहता है वो जमीन के अंदर नहीं जा सकता। इतनी कड़क आज अपनी जमीन हो चुकी है, इसका मतलब उसमें हवा नहीं है, हवा नहीं है इसलिए जो फसल आने वाली वो अच्छी नहीं आ रही है। इसलिए जमीन अगर पहले जैसी बनानी है तो अपने को पहले समझ लेना चाहिए कि जमीन में क्या होना चाहिए, पहले जैसी जमीन बनाने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब दोनों भी चीजें देखो साइमल्टेनियसली चल रही है। मतलब एक साइड से हम बोलते हैं कि 10-15 साल पहले अपने गांव में 100-100 साल के लोग बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे, वो अच्छे से घूम फिर सकते थे। लेकिन आज अपनी उम्र हम 60-70 पकड़ते हैं, 15-20 साल में अपनी उम्र 100 पैसे घट के डायरेक्ट 60-70 पे आ गई। इसका क्या रीजन है? वो सबसे ज्यादा जो खाना अपने पेट में जा रहा है उसमें से पॉइजन अपने पेट में जा रहा है। अपनी हेल्थ तो खराब होती ही जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ मिट्टी की भी हालत हमने खराब करके रखी है, इसलिए उपज अच्छी नहीं आ पा रही है। तो मिट्टी की हालत पहले सुधारने के लिए उसको क्या करना है क्या नहीं करना है अपने को समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो 25% हवा है वो आज नहीं है, वो उसमें आनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर उसमें बढ़ना चाहिए। अब उसमें की हवा क्यों नहीं, जमीन क्यों कड़क हो गई है, इसको अगर अपने को देखना है समझना है तो जो भी हम खाद अपने जमीन में डालते जा रहे हैं उसके वजह से ये सब दिक्कतें आ रही है। कोई भी खाद का आप एग्जाम्पल ले लो, मतलब अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यूरिया का, सबको मालूम है, इसीलिए यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है तो वो है 46%। फिर बचा हुआ 54% क्या है ये ना किसी को मालूम है। मतलब हम लोग आज 26 साल से एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे हैं फिर भी किसी भी बुक में एक पढ़ने को नहीं मिला कि ये बचा हुआ 54% क्या है। लेकिन जब धन्वंतरी के माध्यम से सब साइंटिस्ट इकट्ठा हुए, सब लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च किया, देखा इसमें क्या है क्या नहीं है, तो बाकी का बचा हुआ जो है वो सब पेट्रोकेमिकल्स, जिसका विघटन 200-500 साल तक नहीं होता। मतलब हमने प्लास्टिक को बैन किया, क्यों बैन किया, तो वैसे ही 100-100 साल तक पड़ा रहता है इसलिए उसके ऊपर बैन किया। लेकिन जिस चीज से प्लास्टिक बनता है वो तो कितना डेंजरस होगा, मतलब जो पेट्रोकेमिकल कितना डेंजरस होगा, 100-500 साल तक वो वैसे की वैसे अपने जमीन में पड़े रहता है। और हम एक किसान एक एकड़ में एक साल में कितना खाद डालता है, कम से कम आज 10 बोरी तो कोई भी डालता है, 15-20 बोरी तक बहुत सारे किसान पहुंच चुके हैं। आज मैं बोलता हूँ गरीब से गरीब किसान 10 बोरी भी अगर खाद डालता है, 10 बोरी मतलब 50 किलो की 10 बोरी तो 500 किलो खाद डाला। 500 किलो खाद के साथ साथ करीबन 50% पेट्रोकेमिकल उसके अंदर चले गए, क्योंकि किसी भी केमिकल खाद में 30-70% केमिकल रहता है। और अगर हम एवरेज 50% भी पकड़ते हैं तो 500 किलो खाद में 250 किलो पेट्रोकेमिकल एक एकड़ में एक साल के अंदर अंदर अपने जमीन में हमने खुद के पैसों से लाके डाला है। ऐसी 10 साल का ही अगर हम बात करते हैं तो 10 साल के अंदर अंदर 10 साल इंटू 250 किलो बोले तो 2.5 टन 2500 किलो पेट्रोकेमिकल हमने खुद के पैसे से लाके अपने जमीन में डाल दिए।
इसका मतलब आप एक एग्जांपल ले लो कि 250 किलो सीमेंट आप लेके आते हो और हर साल आपने एक एकड़ में डालते हो, इसे सलग आप कंटिन्यूसली आप 10 साल अगर करोगे तो जमीन की जो हालत बनेगी वो हालत आज अपनी जमीन की हो चुकी है, इतनी वो कड़क हो चुकी है। अगर इसका मैं एक एग्जाम्पल दूं तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में 3 तहसील है, चिरोल, हथकरंगले और कागल, ये तीनों तहसील में पकड़ के मिला के 22,500 हेक्टर मतलब करीबन 50,000 एकड़ जमीन बंजर हो चुकी है, वहां पे घास घूस भी नहीं आ चुक रही है, इतना डेंजरस है, इतनी खराब हो चुकी है जमीन, खरपतवार भी वहां पे नहीं आ रहे हैं। अपने एरिया का अभी तक सर्वे नहीं हुआ है लेकिन हर एक को पता है कि अपने एरिया में भी उपज कम 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 होते जा रही है। अगर अपने एरिया की भी उपज कम होते जा रही है तो कुछ सालों के बाद, मे बी 10-15 सालों के बाद, अपने यहाँ पे भी वही हालत बनेगी जहाँ पे खरपतवार में नहीं निकलेंगे। और वैसा ही 10 एकड़ का 20 एकड़ का अपने नाम का साथ भरा जो खेती का डॉक्यूमेंट रहता है, आप अगर अपने बच्चों के नाम पे करेंगे तो कागज देके बच्चे खुश नहीं होने वाले, क्योंकि उसमें कुछ भी अगर उगेगा ही नहीं तो उसको लेके बच्चे क्या करेंगे। और एक किसके काल में हुआ है, मतलब पिछले 10-15 साल और आगे के 10-15 साल, ये हम सबका कार्यकाल है। अगर अपने काल में ही ये इसमें बदलाव हो रहे हैं तो इस बदलाव के लिए हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है, ये अपने को पहले समझना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है अपनी गलती ही अपने को समझ में नहीं आती। जब गलती समझ में आती है तब मौका हाथ से निकल गया रहता है उसको सुधारने का, कोई भी चांस अपने हाथ में नहीं देता। यहाँ पे अगर धनवंतरी के माध्यम से अगर अपने को अपनी गलती आज पता चलेगी और इसको कैसे सुधार सकते हैं तो वैसे अगर अपने को पता चलेगा तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि पिछले 15-20 साल में जो हमने खराब किया है, फिर वो नेचर हो या फिर वो जमीन हो, अगर हम अच्छी बना के पहले जैसी करके अगर अपने अगले नस्लों के हाथ में दे देते हैं तो तभी अच्छा रहने वाला है। क्योंकि नेचर एक ऐसी चीज है जो खुद के पास कुछ भी नहीं रखता, जो भी चीज हम उसको देते हैं 100 गुना 1,000 गुना बना के अपने को वापस लौटा देते हैं, अपने वापस लौटा देते हैं। तो अगर हम एक जवार का बीज बोते हैं तो 1,000 दाने अपने को मिल जाते हैं, गेहूं का एक बीज बोते हैं कम से कम 100-200 बीज अपने को मिल जाते हैं, वैसे अगर हम जहर बोएंगे तो ये जहर 100-200 गुना बन के अपने ही पास लौट के आने वाला है। और इसी वजह से पिछले 15-20 सालों में अपनी उम्र घट के 100 से 20, 60, 70 हम पकड़ रहे हैं। इसी लाइफस्टाइल के साथ अगर हम जीते रहेंगे तो अपने बच्चों की उम्र 30-40 में खत्म हो जाएगी, और इसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल है, हम सब लोग। तो अगर हम इसके लिए जिम्मेवार है तो ये अपनी ही नैतिक जिम्मेवारी है कि इसको ठीक करके, इसको सुधार करके अगली पीढ़ी को भी जीने का जो हक है उनको हम दे दें। और ये करते करते इस धरती पे सिर्फ आदमी को ही नहीं, फिर कीटों को, जानवरों को, सबको जीने का हक है जो हम छीन रहे हैं, उनको भी जीने का जो हक है वो भी उनको वापस लौटाना पड़ेगा। क्योंकि नेचर ने जो साइकिल बनाया हुआ है, एक चीज कंट्रोल करने के लिए दूसरी चीज को हमने डिस्टर्ब करके रखी है। तो अगर अपने को मिट्टी की ये परत या मिट्टी की ये कंडीशन वापस लानी है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो बात है जो उसमें का ऑर्गेनिक मैटर है जो 5% होना चाहिए, ये जो आधे से नीचे चला गया है, ये बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए कंपनी ने, धन्वंतरी ने बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया हुआ है, तो एक क्या सोल्यूशन है, तो RPH 76। अब RPH 76 में क्या है, अगर हम इसको देख ले, इसको समझ ले तो अपने को पता चलेगा कि ये कैसे काम में आने वाला है। तो ये जो अपने को यहाँ पे काले परत जो दिख रहे हैं, 3 लेयर जो दिख रहे हैं, ये सब लियोनाडाइट पत्थर है। वे कैसे तैयार होता है, जब ज्वालामुखी फटता है पूरी की पूरी मिट्टी की उलट फुलट हो जाती है, जंगल के जंगल जमीन के नीचे दब जाते हैं। अब जंगल में कोई भी केमिकल खाद या कीटनाशक नहीं डलवाता, इसलिए जो भी इसमें दबा है 100% ऑर्गेनिक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम फसल की इतनी चिंता करते हैं, इतनी केयर करते हैं, फिर भी कभी कभी फसल खराब हो जाती है, लेकिन
जंगल में एक बीज भी अगर गिरता है तो भी उसका कितना बड़ा पेड़ तैयार होता है, उसको कोई भी केयर नहीं करता, उसको टाइम पे पानी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, फिर भी वो इतना अच्छा सा पेड़ बन जाता है क्योंकि उसकी मिट्टी उतनी ताकतवर है। उस मिट्टी में काड़ी कचरा पत्ता पराली सब गिर के उसको ह्यूमस तैयार होके उसका ऑर्गेनिक कार्बन तैयार हुआ है, इसलिए उसकी मजबूती ही वो उसको पेड़ बनने में मददगार साबित होती है। तो अगर ये लियोनार्डो का पूरा का अर्क अगर हम इसमें आरपीएस क्षेत्र में अगर दे रहे हैं तो इसमें सब कुछ मिलेगा जो फसलों के लिए जरूरी है। मतलब सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात, ऑर्गेनिक कार्बन मिलेगा। ऑर्गेनिक कार्बन के साथ साथ एनपीके, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, अमीनो एसिड्स, फॉलिक एसिड्स और ह्यूमिक एसिड, ये सभी चीजें इसमें नेचुरल फॉर्म में है, अवेलेबल फॉर्म में है, क्योंकि बाकी दूसरी कोई भी चीज अवेलेबल होने के लिए उसमें कुछ ना कुछ घटक होने चाहिए, लेकिन इसमें सब अवेलेबल फॉर्म में है, इसीलिए ये फसलों को तुरंत लागू हो जाता है। मतलब फसल के ऊपर इसका तुरंत अपने को असर देखना शुरू हुआ है, इसे देखने को मिलता है। मतलब बहुत सारे लोगों ने तो आपको इतना पता है कि तीसरे चौथे पांचवें दिन भी अपने को इसका रिजल्ट मिल चुका है क्योंकि ये नेचुरल फॉर्म में है। अब इसको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहली बात है ये सफेद जड़े को बढ़ने के लिए मददगार रहता है, और ये सफेद जड़े ही इम्पोर्टेंट रहती है किसी भी फसल के लिए क्योंकि अपटेक करने के वो ही काम के है। लेकिन ये बहुत सारे फसलों का जो सफेद जड़े है उसकी लाइफ है मात्र 20-21 दिन की। 20-21 दिन के बाद इसका रंग, इसका मतलब कलर और इसका रोल दोनों भी चेंज हो जाता है। तो हर एक महीने में अगर अपना आरपीएच 76 अगर हम जमीन में छोड़ते हैं तो हमेशा सफेद जड़े आती रहेंगी और उसकी ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी। और सफेद जड़ों के साथ साथ जमीन में जो बैक्टीरियाज होने चाहिए वो बैक्टीरियाज भी बढ़ाने के लिए आरपीएच 76 हेल्पफुल रहता है, काम करता है, क्योंकि उनको उसमें से खाना मिल जाता है, न्यूट्रिएंट अपटेक करने में काम में आएगा। और दूसरी बात, जो भी हेवी मेटल्स रहते हैं मतलब खाद में जो रहता है लीड, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, ये जड़ों से दूर लेके जाता है। मतलब यही हेवी मेटल्स जड़ों से अगर फसलों में आते हैं और फसलों के बाद अपने पेट में अगर जाते हैं तो अपने को कैंसर जैसी या बाकी भी बीमारी होने की संभावना रहती है। अगर ये उसको जड़ों से दूर लेके जाएंगे तो अपने को जो भी खाना मिलने वाला है वो भी अच्छे क्वालिटी का, जहर फ्री खाना मिलेगा। तीसरी बात, जो मिट्टी की परत जो है, मिट्टी की क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करता है, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए जितने बार ये जमीन में जाएगा उतना जमीन डेवलप करने के लिए काम में आएगा। ये छिड़काव करने के लिए भी चलता है, लेकिन छिड़काव करने से सिर्फ उतनी फसल के लिए ज्यादा हेल्प करेगा, लेकिन अगर हम इसको जमीन से देते हैं क्योंकि इसके सभी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स जमीन में जाने के बाद, इसीलिए अगर हम जमीन में देते हैं तो यही फसल के लिए नहीं तो आगे की आने वाले फसलों को भी ये हेल्पफुल रहेगा क्योंकि उसको मिट्टी को ही डेवलप करेगा, मिट्टी को अच्छे से तैयार करेगा। तो आरपीएच 76 जो है हर एक क्रॉप पे, हर एक स्टेज पे काम करता है, हर एक क्रॉप पे, हर एक स्टेज पे काम करता है। बाकी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में ऐसा नहीं है क्योंकि मार्केट का हर एक प्रोडक्ट हर एक स्टेज के लिए अलग अलग दिया जाता है। मतलब जर्मिनेशन के लिए अलग, सफेद जड़े निकालने के लिए अलग, उसको स्प्राउटिंग निकालने के लिए मतलब ब्रांचेस निकालने के लिए, फूलों के लिए, फलों के लिए, शाइनिंग के लिए, सब स्टेज के लिए अलग अलग अपने को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। लेकिन आरपीएस 76 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक क्रॉप को हर एक स्टेज पे चलता है। मतलब बाकी टॉनिक जैसे ये नहीं है। बहुत बार क्या होता है जब फसल फूलों की अवस्था में रहती है उस समय अगर कोई टॉनिक छिड़का गया तो उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ मतलब फूल गिर जाते हैं, रुक जाती है, और दूसरी बात उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ शुरू हो जाती है, मतलब वो सर बढ़ता है। लेकिन आरपीएच 76 अगर हम उस समय पे भी देते हैं तो भी उसके फूले गिरेंगे नहीं, फ्लावर्स गिरेंगे नहीं, तो उसकी संख्या बढ़ी हुई अपने को, मतलब उसी स्टेज पे जो जो हार्मोन सीक्रेट होने की जरूरी है वो हार्मोन सीक्रेट करने का काम अपना आरपीएच 76 करने वाला है। सीड ट्रीटमेंट के लिए चलता है, बीज संस्कार होना बहुत जरूरी है। अगर हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो कम से कम 10-15% अपना यील्ड, अपनी उपज अपने को ज्यादा आई है इसलिए देखने को मिलेगी। सीड ट्रीटमेंट करने से इतना परसेंटेज कैसे बढ़ सकता है तो सीधी सी बात है,
अगर कुछ सीड को सीड ट्रीटमेंट नहीं किया है तो उसका 70-80% जर्मिनेशन हुआ है, और सिर्फ आरपीए क्षेत्र का सीड ट्रीटमेंट करने से उसका जर्मिनेशन अगर 90-95% 95% तक अगर बढ़ता है, जो भी ज्यादा 10-15-20% ज्यादा उगा है उसका अपने को उपज भी मिलने वाला है, क्योंकि जो 20% उगा ही नहीं जहाँ पे सीड ट्रीटमेंट नहीं किया है, उगने के बाद कितने भी अच्छे अच्छे खाद डालो या कुछ भी करो तो जो 20% उगा ही नहीं उसकी उपज अपने को मिलने वाली है क्या? तो नहीं। इसीलिए बीज प्रक्रिया सीड ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। सीड ट्रीटमेंट के लिए मात्र 3-5 मिली 1 किलो बीज के लिए इसका जरूरत है। वो कैसे करना है? कोई भी बीज को सुबह 1 किलो के पीछे 5 मिली आरपीएस लेके उस बीज को अच्छे से लगाओ, मतलब अगर 10 किलो बीज है तो 50 मिली आरपीएस ले लो, उस बीज को अच्छे से लगाओ, छाव में 15-20 मिनट तक उसको सुखाओ, छाव में सुखाना है, उसके बाद तुरंत उसको लगाना है, बीज बोना है अपने, इसको रात भर भिगो के नहीं रखना है। कुछ फसलों का छिलका बहुत पतला रहता है, मतलब सोयाबीन हो मूंगफली हो, तो उसको हाथ से रगड़ रगड़ कर नहीं लगाना है, उसको सिर्फ प्लास्टिक के ऊपर स्प्रेड करो, उसके ऊपर एआरपीएस क्षेत्र का अच्छे से छिड़काव करो, तो प्लास्टिक थोड़ा सा हिलाओ ताकि सभी बीज को ये ठीक से लगना चाहिए, इतने ऊपर को चिंता रख करना है। अब इसके बाद ये छिड़काव के लिए भी चलता है, इसमें अगर आप दूसरा कोई केमिकल मिला के लेते हो तो भी चल सकता है अगर जरूरत है तो, क्योंकि ये जैविक नहीं है, ये सेंद्रीय है। सेंद्रीय और जैविक में फर्क क्या है? जैविक बोले तो जिसमें जीव है, बैक्टीरियाज है, सेंद्रीय बोले तो जो काटी कचरा पत्ता गिर के जो तैयार हुआ है वो। इसीलिए आरपीएस क्षेत्र में कोई बैक्टीरियाज नहीं है, वो बैक्टीरिया डेवलप करने के लिए काम में आता है। इसीलिए अगर बाई चांस किसी को कुछ जरूरत है छिड़काव के समय इसमें कुछ मिला के लेने की, तो इसमें मिला के आप आराम से ले सकते हो। उसके लिए छिड़काव के लिए मात्र 50 मिली प्रति पंप या 1 एकड़ के लिए 500 मिली सफिशिएंट है। इसका हम ड्रेंचिंग कर सकते हैं, ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, उसके लिए 1 लीटर प्रति एकड़ चाहिए और हर महीने ये जमीन में जाना अच्छा रहेगा जमीन के डेवलपमेंट के लिए। अगर किसी के पास ड्रिप नहीं है, बाकी तरीके से नहीं दे सकता, तो ऐसे जो फ्लड इरीगेशन करते हैं वहां पे एक 200 लीटर का ड्रम बनाइए, उसमें 1 लीटर आरपीएस अच्छे से मिलाई है और पानी के साथ इसका सा हल्का सा कॉक शुरू कीजिए, नहीं तो एक सलाइन का नली उसमें डाल के थोड़ा सा मुंह से खींच के वहां पे छोड़ दीजिए, तो पानी के साथ मिलते पूरे फसल को मिल जाएगा। इसके वजह से अपनी जमीन धीरे धीरे इतनी अच्छी डेवलप हो जाएगी, मतलब अगर किसी का ऑर्गेनिक कार्बन आधे से नीचे चला गया है तो मात्र 1 साल के अंदर अंदर वो 1 के करीब पहुंचा हुआ अपने को देखने। 1 साल के बाद और अगर हम कंटिन्यू देते रहते हैं तो 1.5-2 तक भी है पहुंच जाता है। यही आरपीएच 76 हम ग्रेन्यूलर फॉर्म में भी देते हैं, प्रति एकड़ कम से कम 5 किलो आरपीएच 76 ग्रेन्यूलर लगेगा। ये 100% ऑर्गेनिक है, इसका अपने को सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है, ये भी आप किसी को अगर चाहिए तो दिखा सकते हो। अब इसके बाद जैसे मैंने बताया कि जमीन के बैक्टीरियाज इतने कम हो चुके हैं, तो बैक्टीरियाज बढ़ना भी बहुत जरूरी है, तो मार्केट में भी आज बैक्टीरियाज मिलते हैं और हम भी बैक्टीरिया देते हैं। मार्केट के बैक्टीरियाज और अपने बैक्टीरियाज में क्या अंतर है ये अगर अपने को देखना है, तो मार्केट में बहुत सारे PSB, KMB, एजेड वेक्टर, राइजोबियम जैसे बैक्टीरियाज आते हैं जो 1 लीटर पैकिंग करें। उस 1 लीटर पैकिंग के ऊपर 12 महीने की एक्सपायरी डेट छिपी रहती है, लेकिन अगर आप वो 5-6 महीने के बाद, मतलब पैकिंग डेट से 5-6 महीने के बाद इस्तेमाल करते हो तो जनरली रिजल्ट्स नहीं आते, मतलब दूसरा का है इसलिए खराब रिजल्ट नहीं आता इसे बोलना और अपना चाहिए नहीं बात, तो इसमें एक है टेक्निकल रीजन उसके पीछे है। क्या टेक्निकल रीजन? आप उसको साइड साइड में भी लगा के आप रिजल्ट्स देख सकते हो। उसके पीछे का टेक्निकल रीजन ये है, जो भी 1 लीटर पैकिंग में मार्केट का बैक्टीरिया आता है वो सब उसमें जिंदा बैक्टीरिया भरे हुए रहते हैं, उसको जिंदा रखने के लिए उसमें खाना भी डालना पड़ेगा, वो खाना करीबन 2-2.5 महीने में खत्म हो जाता है। तो उसके बाद जिंदा रहने के लिए बैक्टीरिया एक दूसरे को खाना शुरू करते हैं,
ऐसे करते करते उनके जो काउंट है, संख्या जो है, जीरो बन जाती है 5-6 महीने के अंदर अंदर। भरने के समय पे उन्होंने 2 × 10⁸ मैक्सिमम, मतलब 20 करोड़ बैक्टीरिया एक मिली में भरे हैं, 20 करोड़, लेकिन 6 महीने में जीरो हो गए, इसलिए रिजल्ट नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, उसके कंपैरिजन में अगर अपना बैक्टीरिया अगर हम देखते हैं, जिसको हम बैक्टोरिच बोलते हैं, तो इसके ऊपर 24 महीने का एक्सपायरी डेट हमने छपा है। कुछ लोग मुझे ऐसे भी पूछते हैं कि वहां पे 12 महीने का एक्सपायरी डेट छप के मतलब नहीं था, यहाँ पे 24 या 36 डाल के फायदा क्या, क्योंकि 6 महीने के बाद तो कुछ नहीं रहने वाला। लेकिन यहाँ पे उसमें हमने जिंदा बैक्टीरिया नहीं बनाया, दुनिया का टॉप का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हमने उसको डॉर्मेंट स्टेज पे लेके गए हैं, मतलब सुप्तावस्था। फॉर एग्जांपल, कोमा में गया हुआ आदमी जिसको हम जिंदा है करके घर लेके नहीं आ सकते, और मरा है ऐसा डेथ सर्टिफिकेट हमको डॉक्टर नहीं दे सकते। उस वैसे कंडीशन में, कोमा अवस्था में, वो कुछ खा पी नहीं सकता। ऐसी हालत हमने इन बैक्टीरियाज की करके रखी है। जब तक ये मिट्टी और पानी के संपर्क में नहीं आते, तब तक वो एक्टिवेट नहीं होते हैं, तब तक वो वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। मतलब 2 साल का एक्सपायरी है, फिर भी 1 साल के बाद भी अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो भी वो 100% रिजल्ट देता है, क्योंकि उसका लाइफ हमने बढ़ा के रखा है। पहली बात, लाइफ बढ़ा दिया। दूसरी बात, उसका काउंट हमने ज्यादा दिया है, मतलब जहाँ पे मार्केट में 2 × 10⁸ था, हमने 2 × 10⁻ दिया है, मतलब 20,000 करोड़ बैक्टीरिया हमने 1 मिली में भरे हैं। मार्केट के 20 करोड़ और अपने 20,000 करोड़, मतलब 1,000 गुना ज्यादा हुआ। 1,000 गुना ज्यादा, मतलब मार्केट का 1 लीटर और अपना 1 मिली तरीका हुआ, फिर भी हम 100-100 मिल के बोतल दे रहे हैं। दूसरी बात, कौन से फसल के लिए कौन सा बैक्टीरिया डालना है, किसी किसान को मालूम नहीं है, ना दुकानदार को मालूम, इसीलिए ना देने वाले का कंफ्यूजन और ना किसान का लॉस हो, इसीलिए हमने क्या किया है, एक किट बनाया हुआ है, एक बॉक्स बनाया है, जिसमें हमने 8 बोतल दी। पहले हम उसमें 5 बोतल देते थे और एक पैकेट आता था उसमें, तो 5 बोतल का क्या क्या था, एक नाइट्रोजन फिक्स करने वाला बैक्टीरिया, मतलब नाइट्रोजन सबसे ज्यादा ओलाटाइल है, ओलाटाइल क्या उड़ जाता है, जैसे हम पेट्रोल की टंकी खुली नहीं छोड़ते, वैसे अगर यूरिया वगैरह को छोड़ा तो उसमें का नाइट्रोजन उड़ जाता है, इसीलिए एन का डोज, नाइट्रोजन का डोज आधा आधा 2 बार डालना पड़ता है 15-20 दिन का अंतर छोड़ के, ताकि वो फसलों को मिलते जाए, नहीं तो वेस्ट जाता है। ये नाइट्रोजन का बैक्टीरिया क्या करेगा, उस नाइट्रोजन को जड़ों के पास पकड़ के रखेगा, मतलब जैसे चने के ऊपर, मेथी के जड़ों के ऊपर गांठियां रहती है, उसमें राइजोबियम रहता है जो नाइट्रोजन को पकड़ के रखता है। भाई बाकी फसल को ये कंडीशन नहीं है, सिचुएशन नहीं है, तो यहाँ पे हमने जो नाइट्रोजन फिक्स करने वाला जो बैक्टीरिया दिया है, वो जड़ों के पास नाइट्रोजन को पकड़ के रखेगा, ताकि फसल को जब जैसे जरूरत हो लेते जाएगा। उसके बाद फॉस्फरस के हमने 2 बैक्टीरिया दिए, ये फॉस्फरस और पोटैश अपने जमीन में फिक्स हो चुका है, वही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा फसलों से, और ऊपर से हम डालते जा रहे हैं, ऊपर से हम DAP डालो, MOP, SOP ऐसे खाद जो डालते जा रहे हैं, पहले का ही उसने इस्तेमाल नहीं किया है, वैसे ही पड़ा है और ऊपर से डाल रहे हैं, इसके वजह से अपना खर्चा भी बढ़ रहा है और अपनी जमीन भी खराब हो रही है। इसलिए हमने फॉस्फरस के 2 स्ट्रेन दिए हैं, फॉस्फरस अपटेक करने के बैक्टीरिया के, PSB जिसको बोलते हैं, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, एक KMB दिया है, मतलब पोटैश मोबिलाइज इधर से उधर लेके जाने के लिए, एक जिंक का दिया है, जिंक में सोडोमोनास नाम का बैक्टीरिया है जो जड़ों का सड़ना रोक देता है, उसमें एक वैम है, मतलब माइकोराजा एक फफूंद है जो जड़ों के ऊपर जिंदा रहती है, वो वहां पे दूसरी फफूंद नहीं आने देता, मतलब इसके वजह से बाकी जो मरना और जड़े का सड़ना होता है वो रुक जाता है। जड़ों का सड़ना रुक जाता है और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट अपटेक करने में काम में आता है। अब ये जो 6 चीजें हैं, इसकी कीमत पहले थी 2200 रुपए, 2200 रुपीज, इसमें हम और 2 बैक्टीरिया बढ़ा है, एक सल्फर का और एक सिलिकॉन का, क्योंकि सल्फर फसलों को मजबूती देता है और सिलिकॉन उसके ऊपर कड़क अपना लाता है, जिसकी वजह से जल्दी कोई कीटे अटैक नहीं कर सकते, इसलिए 2 बोतल बढ़ाने के बाद
कीमत तो बढ़नी चाहिए 2200 रुपए से, हमने इसकी कीमत 2200 रुपए से 1700 रुपए पे लेके आए। मतलब हमेशा हमेशा धन्वंतरी किसानों के बारे में सोचती है, ये चीज किसान तक कैसे और कीमत कम कीमत में कैसे और सस्ते में पहुंचे, यह हमेशा कंपनी की कोशिश रही है। तो ऐसी अगर कंपनी कोई किसानों के बारे में इतना सोचने वाली है तो हमेशा ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना किसी को भी अच्छा लगेगा। तो ये कीट कितना इस्तेमाल करना है, तो ये पूरा का पूरा 8 बोतल का एक कीट 1 एकड़ में चाहिए। इसका 200 लीटर पानी बनाओ, इसमें 1 लीटर RPS डालो और एक साथ मिट्टी में जाने दो। ये दोनों एक साथ जाएगा तो सबसे ज्यादा रिजल्ट्स अपने को मिलने वाले हैं। इसके बाद 1-6 महीने में 1 ही बार देना है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर सिर्फ 2 बार अपने को ये बैक्टीरिया का कीट देना है। 6 महीने में 1 बार 1700 रुपए का खर्चा किसान को, मतलब अगर हम 1 महीने का निकालते हैं खर्चा तो 225 रुपए हो गया। सिर्फ 225 रुपए खर्चा करने के वजह से अगर किसान का केमिकल खाद का डोज 25-30% इस बार कम हो जाएगा, दूसरी बात जो जमीन में खाद पड़े हुए है, फॉस्फोरस है, पोटेश है, बाकी सब चीजें, उसका अगर अपटेक होना शुरू होता है तो जमीन भी अच्छी होनी शुरू होती है। मतलब मिट्टी के दो कणों को फॉस्फोरस या पोटेश का कोई रेणु चिपक के बैठा है, उसको इन बैक्टीरिया ने क्या किया, खुला करके फसल को दे दिया। इसका मतलब मिट्टी खुली हो गई, मिट्टी के कण खुले हो गए, मिट्टी में हवा ज्यादा आ गई, मिट्टी में हवा आ गई तो अपने आप उसमें ऑक्सीजन ज्यादा आ गया, ऑक्सीजन ज्यादा आ गया तो फसल का इम्यूनिटी पावर बढ़ता है उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिलने की वजह से। और इम्यूनिटी पावर बढ़ गया तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली आने वाले डिसीज बेस्ड कीड़े या रोग कम हो जाते हैं, छिड़काव का खर्चा किसानों का बच जाता है। ऐसे करते करते अगर हम मिट्टी की हालत सुधारते हैं तो ही जाके किसान की हालत सुधरने वाली है, क्योंकि उस मिट्टी के ऊपर ही उसकी हालत डिपेंड है। अब ये सब करते करते अगर और बाद में कुछ प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स आ चुके हैं तो सबसे ज्यादा क्या होता है, अब फसल उग के आ गई, फसल ऊपर आने के बाद क्या हुआ, कीड़े आना शुरू हो गए। अब एक कीड़े आना अगर शुरू होते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाने के बाद कोई कीटनाशक की दवा केमिकल वाली लाते हैं और उसका छिड़काव करते हैं। अब ये छिड़काव करने के बाद क्या हुआ, वो इलिया वो जो थे कीड़े वो तो मर गए, लेकिन ये केमिकल या पॉइजन खा के जो कीड़े मरे हैं वो कीड़े अगर पंछियों ने खाए तो पंछी मर गए। पहले प्लोइंग करने के टाइम पे, मिट्टी तैयार करने के समय पे पीछे जितने पंछी आते थे उतने आजकल अपने को देखने को मिलते हैं, नहीं देखने को मिलते हैं। वो क्या करते थे, जमीन के अंदर जो कीड़े हैं, उनके कोष है, उनके अंडे हैं, उनको खाते थे। अब पंछी नहीं रहे तो क्या होता है, फसल उग के आने के बाद तुरंत अपने को छिड़काव करना पड़ता है, क्योंकि वो जो जमीन में कीड़े थे वो तुरंत खाना मिल रहा है इसलिए बाहर आ गए। इसलिए जैसे जैसे छिड़काव करना बढ़ रहा है, ये छिड़काव की वजह से अपने प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। मतलब किसानों का खर्चा तो बढ़ ही रहा है लेकिन अपने प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, और यही एक रीजन है जिसके वजह से अपनी उम्र 100 पे से घट के 60-70 पे आ गई। देखो ना, कोई एक दो एग्जाम्पल अगर अपने को देखने हैं तो कैंसर ट्रेन के बारे में तो आज हर एक आदमी जानता है, जो पंजाब से बठिंडा से निकलती है, बीकानेर राजस्थान आती है, वहां पे एक तुलसी नाम का चैरिटेबल ट्रस्ट का कैंसर हॉस्पिटल है। वो दिन भर वहां पे केमोथेरेपी दे लेते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम निग्लिजिबल कॉस्ट में, और उसी ट्रेन से वापस जाते हैं। इसीलिए वो ट्रेन को ही नाम वैसे पड़ा है कि कैंसर ट्रेन। अब इतना बेकार है, उस ट्रेन से जितने भी ट्रैवलर्स ट्रैवलिंग करते हैं उसमें से करीबन 90% से ज्यादा लोग कैंसर के पेशेंट हैं। अब पंजाब में इतनी ज्यादा कैंसर पेशेंट होने की क्यों है, तो सबसे ज्यादा पहली हरित क्रांति हुई पंजाब, उस समय पे ज्यादा केमिकल के खाद और कीटनाशक वहां पे इस्तेमाल किए गए, उसका अंश उसके रेसिड्यूज वो फसल में से अपने पेट में गए और उसकी वजह से वहां पे लोगों को कैंसर हुआ। हम बोलते कि उन्होंने इस्तेमाल किया उनको कैंसर हुआ, लेकिन आज हर एक जगह पे तो इंडिया के, भारत के पूरे सभी जो इलाके में सबसे ज्यादा गेहूं के यहाँ से ज्यादा होगा तो पंजाब से ज्यादा, तो यही जहर सबके पेट में जा रहा है। ये हो गया उत्तर भारत का। दक्षिण भारत के बारे में अगर हम बात करते हैं, दक्षिण भारत में केरला में कासारगोड़ा नाम का एक जिला है, जिसके
जिस जिले में 50 से 60 गांव ऐसे हैं जहां पे आज एक भी बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स है, बैंग उसमें आ रहा है। वैसे क्यों होता है? या अगर कोई नॉर्मल पैदा होता भी है तो 4-8 दिन के बाद वो अब नॉर्मल हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ है? ये इंडिया की टॉप की जो संस्था है IIT, इन्होंने वहां जाके सर्वे किया। सर्वे के लिए जब टीम वहां पे पहुंची तो वहां का क्लाइमेट देख के इतना खुश हो गए, सबसे बड़ा हिल स्टेशन से भी अच्छा, क्योंकि बाकी हिल स्टेशन जो डेवलप रहते हैं वहां पे तो हाईवे गया रहता है, वहां पे ट्रैवलर जाते हैं, तो यहाँ पे कोई हाईवे नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, मतलब पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, फिर भी ऐसी हालत क्यों? ये जब वहां पे सर्वे हुआ तब लोगों को, तो टीम को वहां के माँ के दूध में इंडोसल्फान मिला। मतलब जिस बच्चे को जन्म के बाद पहले 6 महीने हम बाहर का पानी भी नहीं पिलाते, उस बच्चे को अगर जन्म होते ही अपनी माँ के दूध से ही जहर उसके पेट में जा रहा होगा, तो उसको क्या हम अच्छी जिंदगी, क्या हम अच्छी लाइफ देंगे? ये संभव नहीं है, इसीलिए वहां पे वो प्रॉब्लम्स आ रहे। अब वो जहर वहां से गया कहाँ कहाँ से, वो भी देखना जरूरी था। तो वहां पे एक एक कंपनी के 4-4, 5-5 हजार एकड़ काजू के बगान है, तो उसके ऊपर पेट के ऊपर जो पंप रहता है उससे तो छिड़काव करना संभव नहीं है, तो वहां पे हवाई जहाज से या हेलीकॉप्टर से छिड़काव किया जाता है। अब पेट के ऊपर पंप से HTP पंप के लिए दुगनी दवाई डालनी पड़ती है, और उससे 5 गुना दवाई हेलीकॉप्टर से छिड़काव करने के लिए डालनी पड़ती है। मतलब सादे पंप से 10 गुना दवाई ज्यादा डली, वो दवाई फसलों के ऊपर गिरी, जमीन के ऊपर गिरी, जमीन के अंदर चली गई। जमीन के अंदर जाने के बाद जो जिंदा झरने थे, मतलब बोरवेल और कुआ, उसको वही पानी, और वो पानी पी पी के वो वहां पे प्रॉब्लम हुआ। अब कितने पीढ़ियों से, कितने सालों से वो उसी कुएं का, बोर का पानी पीते आए थे, इसलिए उनको पता ही नहीं चला कि उस पानी की वजह से प्रॉब्लम आती होगी। क्योंकि टेस्ट में अगर सडनली अचानक कुछ बदलाव अपने को आता है तो ही हमको लगता है कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अगर हर दिन थोड़ा 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 जहर उसमें से मिलते गया होगा तो इतना इसमें फर्क पर नहीं पता चला, तो किसी को पता लगता भी नहीं कि उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन जब सर्वे हुआ तब जाके वहां पे एंडोसल्फान जैसे सबसे सेफ केमिकल, जब मतलब हमने पढ़ाई की थी तब तो हमने सुना था कि एंडोसल्फान सबसे सेफ केमिकल है, उसके ऊपर वहां पे बैन किया गया। मतलब वहां पे एक राइटर ने एक बुक भी लिखी है, साइलेंट स्प्रिंग नाम, स्प्रिंग बोले तो वसंत ऋतु। उसमें क्या रहता है, एकदम जिंदापन रहता है, एकदम चिलबिलाट रहती है, पक्षियों का चुचुआट रहता है, सुबह सब एकदम नए नए पत्ते निकले हुए रहते हैं पेड़ों को, मतलब एक एक अलग से माहौल रहता है, अच्छा माहौल रहता है, और इन्होंने नाम दिया है साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट बोले तो ये कुछ उनको देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि वो पंछी नहीं रहे, पत्तों को फसलों को नए पत्ते नहीं दिख रहे, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा नया कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा है, इसलिए वैसे बुक देखा, तो वो हालत है। ऐसे हर हर एक हर एक एरिया में अपने को आजकल कैंसर के पेशेंट बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। कैंसर के पेशेंट, मतलब बीच में मैंने एक ऑन्कोलॉजिस्ट का, मतलब जो कैंसर के स्पेशलिस्ट रहते हैं, उनका एक सेमिनार अटेंड किया था, तो उन्होंने बोला कि 5-6 साल में भारत के सभी एरियाज में जिला लेवल पे एक एक 800-900 बेड का सेपरेट कैंसर हॉस्पिटल खड़ा करना पड़ेगा, इतने कैंसर के पेशेंट बढ़ते जाएंगे। तो अगर इसको रोकना है तो अपने को इसका केमिकल का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। मतलब आज हर एक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब किसको स्किन डिसीज है, किसी को बालों का झड़ने की बीमारी है, और सबसे ज्यादा कैंसर वगैरह है। और इसके साथ साथ आजकल ये जो पिता बनने की खुशी है ये भी छीन लेंगे कीटनाशक, इसके ऊपर भी बहुत सारा काम हो रहा है, क्योंकि करीबन 50% से ज्यादा नए शादीशुदा लोगों को डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने के लिए जाना पड़ रहा है बच्चा होने के, ये सबसे बेकार चीज है। और दूसरी बात, जो निकोटीन का सेवन नहीं करते हैं, मतलब टोबैको नहीं खाते हैं, सिगरेट स्मोकिंग नहीं करते, उनमें से भी 12% लोगों से ज्यादा लोगों में कैंसर हो रहा है। मतलब जिसको कोई बुरी आदत नहीं है उनको भी कैंसर हो रहा है, उस सब के पीछे क्या है, तो ये पेस्टिसाइड्स है, ये केमिकल्स है। तो अगर अपने को इसका इस्तेमाल कम करना है तो अपने कुछ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स जो हम देते हैं उसका इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम अपना इम्यूनोरिच अल्ट्रा देते हैं,
इम्यूनरिच अल्ट्रा में क्या है, तो इम्यूनरिच अल्ट्रा में हमने 5-6 किस्म के अलग अलग पत्तियों का जूस डाला हुआ है, तो वो क्या करता है, पूरा साइकिल ब्रेक करता है, मतलब जो कीटों का साइकिल है वही अगर ब्रेक हो गया तो अच्छा है। कब छिड़काव करना ज्यादा फायदेमंद है, तो अगर हम अमावस के 2 दिन पहले इसका छिड़काव अगर करते हैं तो सबसे ज्यादा फायदेमंद। क्यों 2 दिन पहले, तो अमावस के 2 दिन आगे 2 दिन पीछे अंधेरा ज्यादा रहता है, अंधेरी रात बड़ी रहती है, तो उस समय कीटकों का मिलन होता है। ये कीटकों का मिलन होने के बाद अंडे डलते हैं और अंडों में से इल्लियां बाहर निकलती है, मतलब अमावस के 4-5 दिन के बाद अगर आप ठीक से अपने खेत में देखते हो तो आपको कीटों का अटैक ज्यादा बड़ा है ऐसे देखने को मिलेगा। तो अगर अमावस के 2 दिन पहले अगर इसका छिड़काव वहां पे किया गया है तो वहां पे इतनी बू आती है, गंदी स्मेल आती है, उसके वजह से मिलन करने के लिए कीटों को वहां जाने की, मतलब मिलन ही नहीं हुआ, इसका मतलब अंडे ज्यादा डलेंगे नहीं। अगर कुछ अंडे डलते भी है तो उसमें अंडे मारने की दवा भी है जट्रोफा, तो अंडे भी मरेंगे। अगर कुछ अंडे बच गए, उसमें से इल्लियां बाहर आ गई, कीड़े बाहर आ गए, तो वो पत्तों के ऊपर एक परत बन चुकी है, कड़वी परत है, वो जो कीड़े खाने के लिए शुरू करेंगे तो उनकी भूख मर जाती है। मतलब अगर आपने वो किसी ने मीठी रोटी दी है उसके ऊपर घी के जगह पे अगर कड़ू नीम का या कुछ कड़वा जूस डाल के दिया है, अपने को मालूम नहीं है, हम एक नेवला खाएंगे कड़वा लगता है तो थूथू करके थूक देंगे, दूसरा नहीं खाएंगे। वैसी हालत ये कीड़ों की होती है, वो खाने के लिए तो जाते हैं लेकिन उनकी खाने की इच्छा ही खत्म होती है, भूख खराब लगता है उनको, तो भूखे रह के वो मरते हैं। अगर ऐसे भूखे रह के जो कीड़े मरते हैं वो अगर पंछियों ने खाए तो पंछी मरेंगे क्या? नहीं। इसका मतलब नेचर को कहीं पे भी डिस्टर्ब ना करते हुए, ना पंछियों को डिस्टर्ब, ना मधुमक्खी के डिस्टर्ब, और अपने लिए भी डिस्टर्ब नहीं, मतलब ये सबके लिए सेफ। जो हम शत्रु कीड़ हैं, जो अपने को कीड़े मारने हैं उनको ही हम मारेंगे, दोस्त कीट जो रहते हैं, मित्र कीट जो इसको बोला जाता है, उसको हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट जब है, अगर ऑलरेडी अगर इल्ली आ चुकी है, कीड़े आ चुके हैं, तो अपना सिल्कोरिच भी अच्छा काम करता है, प्रति लीटर 10 ग्राम पाउडर सिल्कोरिच का ले लो। कोई भी कीड़े, मतलब रस चूसने वाले कीड़े हो या इल्लिया हो, अगर पत्तों के ऊपर जब इसके स्प्रे छिड़का हुआ है सिल्कोरिच का, उसके ऊपर जब चलते हैं तो उसकी बॉडी पंक्चर हो जाती है, और ये हाइग्रोस्कोपिक पाउडर है जिसके वजह से उसमें का पूरा पानी सोख लिया जाता है। ऐसे मैकेनिकली कीड़ों को हम कंट्रोल करते हैं। हमने तो इसको रिकमेंड किया था कीड़ों के लिए, उनको मारने के लिए, लेकिन बहुत सारे किसानों ने, हमने इसका रिजल्ट पाउडरी मिल्ड्यू, मतलब भूरी वगैरह के ऊपर भी हमने उनको बताया है, क्योंकि जब भी हम इसका छिड़काव करते हैं, फिर वो अंगूर हो या और कुछ हो जिसके ऊपर पाउडरी मिल्ड्यू आता है, भूरी आती है, तो वहां पे ये जो होल रहते हैं पत्तों के ऊपर, जैसे अपने बॉडी के ऊपर रहते हैं जिसमें से पसीना निकलता है, वैसे ही पत्तों के ऊपर जो होल रहते हैं उसमें ये चला जाता है पाउडर। वहां पे अगर पाउडर जाती है तो जो भी पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू का जो भी स्पोर रहता है वो वहीं पे आता है, और वहां पे अगर उसको पानी मिलता है थोड़ा सा, मतलब नमी रहती है हवा में, वो नमी अगर उसको मिलती है उसके वजह से वो डेवलप होता है। लेकिन ये पाउडर अगर पहले वहां पे जा चुकी है तो पूरी की पूरी नमी ये सोख लेगा, और इसकी वजह से उसको नमी ना मिलने के वजह से पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू डेवलप नहीं होता है। तो ऐसे ही हम क्रॉप गार्ड है, क्रॉप गार्ड का भी हम छिड़काव कर सकते हैं अगर कीड़े आए हैं तो ऐसा जो है आने के बाद उसमें बैक्टेरिया दिए हुए हैं, तो अलग अलग बैक्टेरिया क्या करेंगे, पूरा कीड़ों को खत्म कर देंगे। मिट्टी में अगर और कुछ फफूंद आ चुकी है, सड़ रहे हैं, उसके जड़ें सड़ रही है, तो इसका हम सॉइल गार्ड करके जो बैक्टेरियल कॉन्सोर्शिया है ये अगर हम जमीन में देते हैं तो वो पूरा सड़ना रुक जाता है। इस बार अदरक और हल्दी में बारिश ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा सड़न थी, बहुत प्लॉट फेल हो गए थे, लेकिन जहां जहां पे अपनी पूरी ट्रीटमेंट इस्तेमाल की है, मतलब शुरू से अगर अपना बैक्टोरिस्ट और आरपीएस का सीड ट्रीटमेंट किया होगा तो वहां पे सड़न आई नहीं है। अगर बाई चांस कोई लेट अपने को कॉन्टेक्ट किया है, सड़न आ चुकी है, तो उसको सॉइल गार्ड और आरपीएस का कॉम्बिनेशन अगर हम जमीन में देते हैं, मतलब 1 लीटर आरपीएस और आधा लीटर सॉइल गार्ड 200 लीटर पानी में मिला के अगर हम उसको ट्रिंचिंग या ट्रिप के माध्यम से देते हैं तो पूरी की पूरी सड़न रुक जाती है।
सडन अगर पहुंच जाता है तो 10 दिन के बाद और एक बार इसको रिपीट करना पड़ेगा, तो पूरी सडन रुक जाती है। इसके बाद जो भी सकिंग पेस्ट रहते हैं, मतलब जो रस चूसने वाले कीड़े रहते हैं, इसके लिए जो दवा डाली जाती है वो दवा सबसे ज्यादा सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड बोला जाता है। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड मतलब हम बाहर से जब फल या सब्जी लाते हैं तो उसको धो के लेते हैं, लेकिन इसको अगर छिड़काव सकिंग पेस्ट का किया हुआ है, सकिंग पेस्ट के लिए जो दवा रहती है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, उसका छिड़काव हुआ है तो जहर अपने पेट में जाने ही वाला है, क्योंकि वो नसों के अंदर अंदर गया है, फलों के सब्जी के तो अंदर गया है, इसकी वजह से वो अपने पेट में जाने ही वाला है। तो उसको कम करने के लिए जिस दिन हम फसल लगाते हैं, तो मतलब जो रोपाई करते हैं, रोपाई करने के बाद वहां पे तुरंत अगर हम इसको ट्रैपोरिज, मतलब यहाँ पे पीले और नीले किस्म के दो ट्रैप है, चिपको है, तो उसके ऊपर उसका चिपकापन इतना स्ट्रांग है कि बारिश के दिन में भी 3-4 महीने तक खराब नहीं होता। एक एकड़ में ऐसे 2 बॉक्स तो कम से कम अपने को लगाने पड़ेंगे। एक बॉक्स के अंदर 5 पीले और 5 नीले ट्रैप हमने दिए हैं। बहुत सारे खेतों में आपको सिर्फ पीले देखने को मिलते होंगे, लेकिन हम सिर्फ पीले अगर लगाते हैं तो सिर्फ एफिड्स, जैसिड्स और व्हाइट फ्लाइज, मतलब मावा, तुड़तुड़े और सफेद मक्खी, इतना ही उसको चिपक जाती है। लेकिन अगर ये कम होती है तो दूसरे जो रहते हैं, मतलब तो फूल कीड़े बोले तो थ्रिप्स, नागली बोलते हैं, तो ये चीजें उसमें से बढ़ जाती है। एक कीड़े कम हो गए, 1-2 दिन के समय और 2 दिन के समय अगर बढ़ जाते हैं तो फसल का लॉस, तो नुकसान तो होना ही होना है। इसीलिए अगर हम पीले और नीले किस्म के दोनों भी ट्रैप अपने खेत में अगर लगाते हैं तो पूरे के पूरे रस चूसने वाले कीड़े उसको चिपक जाते हैं। इसलिए ये 500-600 रुपए अगर खर्चा हम करते हैं तो अपना 5-6 हजार रुपए छिड़काव करने का खर्चा भी कम होता है। जहां पे पूरे चिपक गए हैं कीड़े, जिस ट्रैप को कीड़ों को चिपकने के लिए जगह ही नहीं है, उतने ट्रैप अपने को खाली चेंज करने, उसे बाकी पूरे के पूरे चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे भी चिपकने के लिए जगह नहीं है। बहुत बार इसे देखने को मिलता है कि एक साइड के चिपक गए, ज्यादा भर चुके हैं, तो क्यों वो पैसा क्यों होता है, तो जो हमने खाद दिया हुआ रहता है, तो पानी अगर एक साइड से दूसरे साइड बह के जा रहा है तो खाद भी उसके साथ साथ जाता है, तो दूसरे साइड के फसलों को ज्यादा खाद मिलने की वजह से वहां पे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, और वहां पे जहां पे नई ग्रोथ जहां पे होती है वहां पे कीड़े ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसको लगाना कैसा है, जो भी फसल का टिप रहता है, ऊपर का पॉइंट रहता है, उसके नीचे 30% और ऊपर 70% ऐसे इसको ट्रैप को लगाना है, मतलब फसल के ज्यादा ऊपर नहीं, क्योंकि वो जो रस चूसने वाले कीड़े रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 3-4 फीट तक ही ऊंचा उड़ सकते हैं, इसलिए अगर हम वहां पे लगाते हैं तो अपने को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद सबसे अच्छा और एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, वो भी देखना बहुत जरूरी है, अपना कंपोस्ट फ्रिज। बहुत सस्ता है लेकिन बहुत काम का है। ये प्रोडक्ट हर एक किसान तक पहुंचना ही चाहिए। ये प्रोडक्ट क्यों बनाया, मार्केट में क्यों आया, इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको यहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इधर धन्वंतरी का, ऐसे दोनों का भी लोगो ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। किसी भी प्राइवेट कंपनी के पैकिंग के ऊपर गवर्नमेंट का लोगो छापने की परमिशन नहीं रही, लेकिन हमने यहाँ पे छापा है और लोगों को बोलते भी है, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट के साथ अपना कोलैबोरेशन हो चुका है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे टॉप की संस्था के साथ अगर धन्वंतरी का कोलैबोरेशन होता है, इस वजह से अपने को ये भी पता चलेगा कि गवर्नमेंट भी आज अपने ऊपर कितना ट्रस्ट करती है, क्योंकि धन्वंतरी एक ऐसा कंपनी है जो किसानों तक अच्छा प्रोडक्ट कम से कम कीमत में पहुंचाता है, उनको गाइड करता है अच्छे से, इसीलिए किसानों का बहुत फायदा हो रहा है, इसीलिए उन्होंने भी अपने ऊपर ट्रस्ट रख के ये अपने को दिया है। अब एक प्रोडक्ट क्यों बनाया है, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं कि उसके साइड के जो भी स्टेट्स है, मतलब पंजाब, हरियाणा, जहाँ पे गेहूं वगैरह निकलने के बाद जो रहता है पराली उसको जला देते हैं, यूपी में गन्ना निकलने के बाद या महाराष्ट्र में गन्ना निकलने के बाद वो पराली जो रहती है उसको जला दिया जाता है, लेकिन ये जलाने की वजह से प्रॉब्लम्स इतने बढ़ते हैं कि पॉल्यूशन तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन ये पॉल्यूशन के साथ साथ
हम जमीन के जो केचुए हैं, जमीन के बैक्टीरियाज हैं, वो भी हीट की वजह से मर जाते हैं। इसके साथ साथ 3.85 मेट्रिक टन का ऑर्गेनिक कार्बन जो है, मतलब हम शुरू से बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन कम है, वो बढ़ना चाहिए, पर हम खुद के हाथ से उसको जला रहे हैं। जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम हमने फसलों के लिए दिया है, खाद डाला था, उसके भी कुछ रेसिड्यूज वो पराली में रहते हैं, ये जलाने की वजह से वो भी चले गए। लेकिन अगर इसको हम रिसाइकल करेंगे तो सबसे ज्यादा काम में आएगा। तो ये करीबन 500 मिलियन मेट्रिक टन का क्रॉप रेसिड्यू अपने इंडिया में हर साल पड़ता है, तैयार होता है। 500 मिलियन मेट्रिक टन इसको जलाने की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी जो 500 मिलियन मेट्रिक टन पड़ रहा है, इसका क्या क्या करते हैं, उसमें से खाली 2% बेचा जाता है, 7% जो है फॉडर मतलब जानवरों को खाने के लिए इस्तेमाल होता है, 2% खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, सिर्फ 5% का खाद बनाया जाता है। उसके बाद 1% जमीन में गाड़ दिया जाता है, 1% फेंक दिया जाता है, और सबसे ज्यादा जो है 82%, 82% 82% इसको जलाया जाता है। इसको जलाने की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। अब इसको नहीं जलाना चाहिए, ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने निकाले हैं, लेकिन फिर भी किसान जलाता है क्योंकि इसका खाद में परावर्तित होना इतना जल्दी नहीं होता। इसलिए हमने क्या किया है, कंपोस्ट डिश को लॉन्च किया। ये जो कंपोस्ट डिश जो है, इसमें अलग अलग किस्म के बैक्टीरियाज हैं जो जो भी पराली गिरती है उसको खाद में परावर्तित कर देंगे। अब पराली गिरने के बाद उसको जितना बारीक कर सकते हैं कट कर सकते हैं, मतलब अगर शुगर गन्ना निकलने के बाद जो भी पराली रहती है, आजकल रोटावेटर आ गए, रोटावेटर से उसको कट करो, जितने भी छोटे छोटे पीसेस होंगे उतना जल्दी इसका खाद बन जाएगा। उसको पानी दे दो, क्योंकि नमी का होना बहुत जरूरी है उस पानी के साथ, नहीं तो फिर ऊपर इस कंपोस्ट रिच का 200 लीटर पानी करके शाम के समय पे उस पूरे पराली के ऊपर अच्छे से छिड़काव करो, मतलब जमीन में अच्छी नमी है और ऊपर वाली के ऊपर से अच्छा छिड़काव हो चुका है, तो मात्र 25-30 दिन के अंदर अंदर अपने वो पूरे पराली का अच्छे क्वालिटी का खाद अपने ही खेत में तैयार हो जाएगा। मतलब कम से कम 6 से 8 टन पराली रहती है गन्ना निकलने के बाद 1 एकड़ में, उसका अगर इसके साथ कंपोस्ट रिच के माध्यम से अगर हम खाद करते हैं तो 1.5 से 2 टन तक खाद तैयार हो जाता है, अच्छे क्वालिटी का सेंद्रीय खाद अपने ही खेत में। मतलब ये मात्र 250 रुपए की बोतल 15-20 हजार रुपए का खाद उसके खेत में ही तैयार करके दी, और उसका लॉस जो होने वाले थे जलाने की वजह से वो भी पूरे के पूरे रुक गए। इसलिए इतना अच्छा, अगर हम देखते हैं ये जो यहाँ पे राइट साइड में ढेर लगा हुआ है, अगर हम जो गोबर खाद है, हम बोलते कि हमने जमीन में गोबर खाद डाला है, लेकिन आजकल हम गोबर का खाद नहीं सिर्फ गोबर डाल रहे हैं। एक गोबर खाद, गोबर डालने की वजह से फफूंद बढ़ रही है, वाइट ग्रब बढ़ रहा है और बाकी घास फूस भी बढ़ रही है, लेकिन वहां पे अगर हम कंपोस्ट रिच का उस गोबर के ऊपर ढेर के ऊपर छिड़काव करते हैं, उसको अच्छे से नमी बना के उसके ऊपर पहले पानी का छिड़काव करो, उसके ऊपर कंपोस्ट रिच का छिड़काव करो, अगर ये 2-3 बार अगर हम करते हैं तो मात्र 25 दिन के अंदर अंदर इतने अच्छे क्वालिटी का खाद वहीं पे वो गोबर का तैयार हो जाएगा, जिसकी वजह से ना फफूंद बढ़ेगी ना दूसरा कुछ प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो ऐसे सभी प्रोडक्ट्स जब कंपनी देती है तो अपने को भी एक प्राउड फील होना चाहिए कि इतने अच्छे प्रोडक्ट, मतलब किसान की हालत सुधारने के लिए, किसान की जमीन की हालत सुधारने के लिए अगर हम दे रहे हैं तो सबसे अच्छा है। तो ये करते करते अगर किसान इस बार 30% केमिकल का खाद इस्तेमाल कम करता है, अगली बार 25-30%, ऐसे करते करते 3 या 4 साल के अंदर अंदर वो 100% ऑर्गेनिक के ऊपर आ सकते हैं। क्योंकि अगर अपने को ऑर्गेनिक पे तो आना है, लेकिन अगर हम सडनली ऑर्गेनिक के ऊपर आएंगे तो शायद उपज कम हो सकती है, या उपज कम होती ही है क्योंकि मिट्टी में उतनी ताकत नहीं रही है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर किसी को कुछ बुरी आदत है उसको छोड़नी है तो उसको सडनली पूरा बंद करके नहीं चलेगा, तो धीरे धीरे कम करते करते कर उसको बंद करना पड़ेगा। वैसे ही अपने जमीन को जो आज आदत लग चुकी है केमिकल की, या जमीन में उतनी ताकत नहीं आ रही है, इसकी वजह से स्टेप बाय स्टेप उसको अपने को ऑर्गेनिक पे लाना है। अब ये करने के टाइम पे जो इंडिया का एक सिक्किम करके जो स्टेट है वही 100% ऑर्गेनिक, लेकिन जब उन्होंने ऑर्गेनिक पे आने का डिसीजन लिया, सडनली सब बंद कर दिया, तब जाके उसी साल में 50% उनकी उपज कम आ गई।
लेकिन फिर भी उन्होंने बैन रखा, केमिकल का इस्तेमाल करने के लिए परमिशन नहीं दी। दूसरे साल इनकम बढ़ी, उपज बढ़ी, तीसरे साल बढ़ी और आज सभी लोग हैप्पी हैं। लेकिन ये अगर महाराष्ट्र, पंजाब या जो भी अग्रेसर राज्य है भारत के, वहां पे अगर ऐसे करते हैं तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ की उपज अगर आधे से कम होती है तो महंगाई बहुत सभी जगह पे बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पे 100% अचानक आने का डिसीजन ऑर्गेनिक पे नहीं लेने वाले, लेकिन अपने को आगे की स्टेप्स देख के अपने को में बदलाव लाने। लेकिन जो काल के साथ नहीं बदला वो वॉश आउट हो चुका है। हर एक को मालूम है, HMT की घड़ी देखो, नोकिया की फोन देखो, उन्होंने बदलाव नहीं किए खुद में, इसलिए वो बाहर फेंक दिए गए। अगर हम समय के साथ खुद में बदलाव करेंगे तो हम अच्छे से टिकेंगे, लेकिन समय का स्टेप्स देख के अगर हम पहले ही खुद में बदलाव करना शुरू करते हैं तो हम वहां पे लीडर बन सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 1% रेसिड्यू रहेगा तो भी वो लेन-देन नहीं है। मतलब जो हम आज 100% जहर फ्री खाना बना रहे हैं, खिला किसको रहे हैं? आज भी अंग्रेजों को, जिनको हमने 70-80 साल पहले यहाँ से अकेल दिया। अपने को अपने ही क्यों खाने का, सबसे पहला हक अपना है, लेकिन आज तक अपने को ऐसा किसने बताया ही नहीं था। लेकिन आज धनवंतरी की जो टीम है, धनवंतरी की जो योद्धा है, मैं इनको बोलूंगा कि हमेशा इसके ऊपर अच्छा काम कर रही है और किसानों को अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। किसान भी खुश है क्योंकि उनका बाकी का केमिकल खाद का खर्चा कम होते जा रहा है, उनकी उपज बढ़ रही है, उनकी मिट्टी अच्छी बनती जा रही है, इसलिए हर एक किसान खुश है। और इसके साथ साथ अगर उसी किसानों को, बच्चों को अगर हम कुछ रोजगार देते हैं यहाँ से तो और अच्छा है, तो यहाँ पे वो भी अब उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा जो भी काम है जिसकी वजह से दूसरों का फायदा ही होने वाला है, आने वाली फसल खाने के बाद हम सबका फायदा होने वाला है, तो ऐसे में काम करना हर एक को अच्छा ही लगेगा। क्योंकि हम 1947 के वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, जो है कि लोग शिवाजी महाराज के साथ वो लड़े ही नहीं लड़ पा रहे थे। लेकिन अभी और एक ऑर्गेनिक की क्रांति, ऑर्गेनिक की सब चलवल बोलते हैं इधर इसको, तो वो आगे आ रही है। तो इसमें हर एक आदमी अगर पार्टिसिपेट होता है तभी जाके हम जो पिछले 15-20 साल में जो खराब हो चुका है नेचर और मिट्टी, उसको हम सब मिलके आगे के मात्र 3 या 4 साल में अच्छा बना सकते हैं। और ये जहर फ्री खाना अगर हर एक को मिलेगा तो हर एक की हालत, हर एक की हेल्थ भी अच्छी बनेगी। इसीलिए धनवंतरी ने भी अच्छा स्टेप उठाया है कि धनवंतरी ग्लोबल नाम से जो हम कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, वो कंपनी लॉन्च करने के बाद जो भी किसान धनवंतरी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके फसल उगाएगा वो फसल अच्छे रेट में कंपनी वापस उनसे खरीदने वाली, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है मार्केट। और अगर हम किसान को मार्केट ही तैयार करके देंगे तो सबसे अच्छा है। मतलब किसान की मिट्टी अच्छी बनी, खर्चा कम रहा, उपज बढ़ गई, और इसके साथ साथ हम उनको मार्केट भी रेडीमेड उनको बना के दे रहे हैं, तो इससे अच्छी बात दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। इसीलिए मैं हमेशा धनवंतरी के डायरेक्टरों को, धनवंतरी की टीम को, जो भी आज साइंटिस्ट लोग या बाकी पीछे पर्दे के पीछे लोग काम कर रहे हैं, इन सबको हमेशा थैंक्स बोलता हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने इंडिया के सभी लोगों को तैयार करके रखा है। लेकिन जितने जल्दी हम इसमें जी जान लगा के अगर काम करते हैं तो sky is the limit, मतलब अर्निंग के लिए भी और अच्छा काम करने के लिए भी। हर एक एंगल से कंपनी धनवंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में हमेशा सोचती है। मतलब जो भी किसान या जो भी कस्टमर रहेगा 100% अपने साथ हमेशा अटैच रहेगा। बस इससे ज्यादा कुछ ना बोलते हुए आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपको बाद में जो भी सवाल रहेंगे वो आपके लीडर लोगों को या हमको कभी भी पूछ सकते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि धनवंतरी के प्रोडक्ट इतने रिजल्ट ओरिएंटेड है, अगर कोई अच्छा रिजल्ट बोलता है तो वहां पे आप नहीं पहुंचे तो भी चलेगा, लेकिन अगर कोई बोलता है कि इसका कम रिजल्ट आया, नहीं आया, तो वहां पे पहले पहुंचो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वहां पे उसकी कुछ ना कुछ गलती रहती है, अगर वो हम उसको दिखाएंगे और वहां पे जाते हैं तो उसका ट्रस्ट बढ़ेगा। उसका ट्रस्ट बढ़ने के बाद आप जो भी बताएंगे वो उसको लगाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहेगा। डरो मत, क्योंकि आपने 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड है, इसीलिए जहां पे भी आप देते हो आपको मालूम भी नहीं है फसल के बारे में, फिर भी आप देते हो तो भी वहां पे अच्छे ही रिजल्ट आने वाले हैं, इतना मैं आपको हर एक को गारंटी देता हूँ। ये काम करने के लिए आज अपने जो साथ एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जो डॉक्टर संतोष साहनी जी हैं,
या गुरुदत्ता लामतुरे सर है या और हम सब लोगों को, मैं राहुल बारावकर, हम सब लोगों को जो भी आज प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो अपने माननीय डायरेक्टर्स है, डॉक्टर रमेश जी पटेल सर है या प्रकाश जी तलेटे सर है या शशिकांत जी गुरुंकर सर है, इन सब का मैं हमेशा धन्यवाद। आज का सेशन